वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट द मॉडल ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल कैसे बनाना है और उस मॉडल को इवेल्युएट कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएशन ऑफ लॉजिस्टिक मॉडल। ओके, तो कैसे मॉडल हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऊपर ही इंपोर्ट करके रखा है, एकदम पहले वाले ही हमारे जो सेल था उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग रेग इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन ब्रैकेट और रन। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट अब बन गया है लॉग रेग। तो हम इस क्या करेंगे, अब लॉग रेग को फिट करेंगे ट्रेन सेट पे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉग रेग डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ओके, हम करेंगे रन। तो सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हमें देना था कॉमा, तो हम करेंगे रन। ओके, तो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यहाँ पे बन गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब मतलब हमारा यहाँ पे मॉडल अब ट्रेन हो गया है, तो हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेडिक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई प्रेड इज इक्वल टू, कौन से मॉडल यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है लॉग रेग डॉट प्रेडिक्ट और हमें वो चलाना है एक्स टेस्ट पे। तो हम करेंगे रन। तो अब देखो, अब हमारा वाई प्रेड में हमारे वैल्यूज स्टोर हो गई है। हमें करना होता है इवेल्युएशन ऑफ मॉडल। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेल्युएशन ऑफ लॉजिस्टिक मॉडल, मतलब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो मॉडल है उस मॉडल का हम यहाँ पे इवेल्युएशन करेंगे। सबसे पहली चीज हम यूज करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंटर। तो हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे सी मैक्स वन, ये पहला वाला कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होगा हमारा सी मैक्स वन, या फिर हम लिखेंगे सी मैक्स log is equal to confusion matrix bracket में हमें लिखना है y test। किसका comparison करना है, हमें करना है y test और y pred का comparison। तो मैं यहाँ पे करूँगा run और यहाँ पे मैं करूँगा print करो cmax underscore log को। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है मैक्स का, तो सी मैक्स लॉग डिफाइन किया, उसके बाद हम रन करेंगे सी मैक्स अंडरस्कोर लॉग। तो अब देखो, जहाँ पे वन था वहाँ पे इतनी बार वन ही प्रेडिक्ट हुआ है, जहाँ पे जीरो था उतनी बार जीरो प्रेडिक्ट हुआ है, और ये जो 209 एंड 705 है यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ है, हमारा मतलब जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल यूज़ किया था उस मॉडल का यूज़ करके। ओके, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो 700 200 रोज है, मतलब हमारी एक्यूरेसी कम ही आने वाली है, फिर भी हम चेक करेंगे बाय यूजिंग एक्यूरेसी स्कोर। तो हम फिर से इम्पोर्ट करेंगे से फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर, हमने इम्पोर्ट किया और हम यहाँ पे चेक करेंगे फॉर एक्यूरेसी। हम क्या करेंगे, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो हम करेंगे एसीसी अंडरस्कोर लॉग इज इक्वल टू एक्यूरेसी स्कोर इज इक्वल टू स्कोर वाई टेस्ट और वाई प्रेड का, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करो, आप किसे प्रिंट करो, इस एसीसी अंडरस्कोर लॉग से। तो मेरा जैसे रन करूँगा तो देखो हमारी एक्यूरेसी स्कोर हमारा प्रिंट हो गया है,
और वो है 0.7562, मतलब 75.6% हमारी एक्यूरेसी है। ओके, तो अगेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर जो क्लासिफिकेशन वाला होता है उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने का तीसरा मेथड होता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो हम यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करेंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो फ्रॉम स्केलर डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ओके, तो हम मैं यहाँ पे फिर से लूंगा से रिपोर्ट, रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग इज इक्वल टू। अब एक बात और बता देते, हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना ये रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग, सीमैक्स अंडरस्कोर लॉग, और यहाँ पे हमने कहाँ पे किया, और यह एक्यूरेसी स्कोर अंडरस्कोर लॉग, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट। तो इन सब का हमें फिर बाद में कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए आसान जाए इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हर किसी चीज को मैं एक वेरिएबल में फिट कर रहा हूँ। ओके, तो रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग मतलब क्या हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ लॉग रेग मॉडल या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ओके, तो मैं इसमें लिखूंगा रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ वाई टेस्ट और वाई प्रिंट। ओके, और उसके बाद में करूंगा प्रिंट, लिखेंगे प्रिंट रिपोर्ट अंडरस्कोर लॉग और करेंगे रन। तो क्यों देखो यहाँ पे भी हमारी एक्यूरेसी आई है 0.76, मतलब ये जो 0.7576 था उसने उसके राउंड फिगर कर दिया 0.76। ओके, तो गाइज ये था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने यहाँ पे मॉडल क्रिएट किया, ट्रेन किया, उससे प्रेडिक्ट किया और उसकी एक्यूरेसी हमने अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट की। तो हमें पता चला है कि वो एक्यूरेसी जो है वो एकदम कम है, मतलब 75-76% है। तो अगले वीडियो में हम यूज़ करेंगे डिसीजन ट्री एंड रैंडम फॉरेस्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।